नमस्ते दोस्तों, मैं स्वप्निल रोहनकर, साइंटिफिक वास्तु कंसल्टेंट मंगल वास्तु, ये मेरे यूट्यूब चैनल में फिर एक बार आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हमने प्रीवियस वीडियो में जो 45 एनर्जी फील्ड जो 45 देवता वास्तु पुरुष मंडल में है वो कंप्लीट कर लिए थे। आज के जो वीडियो है यहाँ से हम टेक्निकली इस साइंस को समझेंगे। अभी तक हमने 16 डायरेक्शन, 32 एंट्रेंसेस, 45 देवताओं के बारे में सभी चर्चा कर ली है, एलिमेंट्स के बारे में चर्चा कर ली है, लेकिन साइंटिफिकली और टेक्निकली ये साइंस कैसे अप्लाई किया जाता है, ऐसा क्या है और ऐसा कौन सा ट्रीटमेंट है जिसके वजह से परमानेंटली कोई भी स्पेस की जो ऊर्जा है बैलेंस हो सकती है। ओके, तो आज की वीडियो सबसे महत्वपूर्ण बनने वाली है। आज मैं जो कार्बन थ्योरी, जिसका मैं खुद मास्टर हूँ, आज तक मैंने ऑल ओवर इंडिया में जितने भी कार्बन ट्रीटमेंट किए हुए हैं, वो इंडस्ट्रियल वास्तु हो, रेसिडेंशियल हो, फ्लैट हो, एजुकेशन हो, तो आज मैं उसकी जो थ्योरी है उसके बारे में चर्चा करने वाला हूँ। तो कार्बन है क्या? तो सबसे पहले हमें समझना ज़रूरी है कि साइंस ये कहता है कि अर्थ 360 डिग्री रोटेट हो रही है। ओके, विथ रिस्पेक्टिव टाइम अर्थ का रोटेशन चल रहा है, लेकिन हम इस अर्थ पे खुद को स्टेबल क्यों फील कर रहे हैं? कभी इसके बारे में आपने सोचा ही नहीं कि ऐसा कौन सा एलिमेंट है कि अर्थ के साथ हम क्यों नहीं घूम रहे हैं। तो ये सभी चीज़ें रोटेट होनी चाहिए थी, मेरा घर भी घूम जाना चाहिए था, गाड़ी घूम जानी चाहिए थी, आज मैं मुंबई हूँ, कल दिल्ली हूँ, कभी हैदराबाद, कभी चेन्नई, कभी बेंगलुरु, कभी कहाँ। तो समझ लीजिए कि ऐसा एक मास्टर एलिमेंट जो है जिसके वजह से हम अर्थ पे स्टेबल फील करते हैं, वही एलिमेंट या वही जो कंपोनेंट है, वही कंपोजिशंस जो है वो कार्बन है। तो साइंस ने कहा है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो 360 डिग्री अर्थ के साथ रोटेट करती है, लेकिन स्टेबल फील कराता है अर्थ हमें। जो हम यहाँ पे देख लीजिए, स्टेबल अर्थ, हम खुद को स्टेबल फील कर रहे हैं अर्थ पर, हम नहीं घूम रहे हैं अर्थ के साथ। तो मैग्नेटिक फील्ड तो चेंज है, वेरिएबल है, चेंज हो रही है। अब मैं आपको थोड़ा एग्जांपल देके समझाऊंगा। अब कार्बन जो है वो इलेक्ट्रॉन का सबसे फेवरेट फ्लोइंग पाथ है, मैग्नेटिक फील्ड के साथ रोटेशन उसका हो रहा है, तो हर एक स्पेस पे जो है मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग होगी, डिफरेंट होगी। किसी के यहाँ पे 10 डिग्री नॉर्थ होगा, किसी के यहाँ पे 20 डिग्री होगा, किसी 40 होगा, किसी 50 होगा, इट्स डिपेंड ऑन स्पेस। तो चेंज इन स्पेस विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन मैग्नेटिक नॉर्थ भी हम कह सकते हैं, मैग्नेटिक एनर्जी भी हम कह सकते हैं। ओके, विथ रिस्पेक्ट टू हम एनर्जी भी कह सकते हैं, चेंज इन स्पेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विथ चेंज इन एनर्जी। अब जो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है उसी मैग्नेटिक फील्ड पे, उसी मैग्नेटिक नॉर्थ पे ही तो हम ये साइंस अप्लाई कर रहे हैं। नेक्स्ट चीज आती है, ये साइंस क्यों लोग माने? जैसा एक समय था, मैं भी साइंस को ऐसा लगता था कि यार नहीं, कुछ नहीं है, फिर भी जब मैंने इस साइंस को टेक्निकली जाना तब माना। वही टेक्निकल और साइंटिफिक मैं आपको, आपके पास इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ या आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब जन्म और मृत्यु थोड़ा स्पिरिचुअली समझ लेंगे। भगवान कहते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्म फल हेतुर्भूर्माते संवत्सत कर्मणि, जो गीता में जो लिखा है। तो कर्म, कर्म कब कर रहे हैं हम? हमारा जब जन्म हो रहा है वो डेट, और हमारी जिस दिन मृत्यु हो गई वो डेट, बीच का जो पूरा हमने समय बिताया वो हमारा कर्म। अब हमने पॉजिटिव किया, निगेटिव किया, क्या किया वो हमें पता। अब नेक्स्ट बात आती है, अगर आपके लाइफ में आप दो चीज़ें हटा दोगे, समय, टाइम और कैलेंडर, तो आपका लाइफ पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, जब जानोगे तब मानोगे, तो पहले जान लीजिए। इसी पे तो हमारी लाइफ चल रही है। तो फाइनल कंपोजिशन हमारे लाइफ का क्या है? जिस दिन ये मेरे पंच महाभूत से जो शरीर बना है, फाइव एलिमेंट से जो मेरा शरीर बना है, रोज मुझे पानी पीना है, खाना खाना है, अर्थ पे मैं खड़ा हूँ, ऑक्सीजन, वायु तत्व मुझे रोज लेना है, तो
तो जब तक वो लाइफ फोर्स एनर्जी मेरे अंदर प्रेजेंट है तब तक ये सब चीज़ की डिमांड है, पंचतत्व की डिमांड इस शरीर को है। ओके, जब बच्चा पैदा होता है वहाँ से कार्बन कंपोजिशंस तैयार होके वो एक विशाल उसको जो स्वरूप मिलता है, जो हमारा जैसी ग्रोथ होती है हमारी, और लास्ट में जब जिस डेट को हमारा डेथ होता है तो क्या होता है, एक तो मेरा ये शरीर जलाया जाएगा नहीं तो मिट्टी में डाल दिया जाएगा। अब इसको एक तो फायर में डाल दिया जाएगा नहीं तो अर्थ एलिमेंट दिया जाएगा। जब फायर में डालेंगे मतलब मेरे ये बॉडी को जिस दिन मेरी मृत्यु होगी, फायर करने के बाद उसकी जो राख बनेगी, जो कार्बन बनेगा, तो वो अर्थ एलिमेंट हो गया। तो फाइनली हमारा डेस्टिनेशन क्या है, अर्थ ही है। तो कार्बन ही ऐसा एक एलिमेंट है जिसके वजह से हम पूरे अर्थ में स्टेबल फील कर रहे हैं। तो ये किस में पाया जाता है, अर्थ के अंदर जितने भी मेटल्स है, अलग अलग कंपोजिशंस है मेटल्स के। आज महंगे से महंगा डायमंड भी अर्थ के अंदर से ही निकल रहा है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेटल अर्थ के अंदर है, वही जो कंपोजिशंस एंड फॉर्मेशन ऑफ कार्बन है उसी के वजह से स्टेबल अर्थ फील करते हैं हम। हमें पता नहीं चलता है कि अर्थ रोटेट हो रही है, 360 डिग्री घूम रही है। हमें सिर्फ ये दिखता है कि सुबह सूरज आया और शाम में सूरज गया, लेकिन रोटेशन तो अर्थ हो रही है। तो नेक्स्ट, कार्बन जो है यही तो मास्टर एलिमेंट है इस साइंस का। तो कार्बन ही एक ऐसा एलिमेंट है, मैं उससे अर्थ की एनर्जी को इंक्रीज कर सकता हूँ, डिक्रीज कर सकता हूँ, बढ़ा सकता हूँ, कम कर सकता हूँ, एक्सपोज कर सकता हूँ, न्यूट्रल कर सकता हूँ, स्टेबल कर सकता हूँ। तो वो किस में पाया जाएगा, तो वो तो मिट्टी में नहीं पाया जाएगा, तो मुझे तो सॉलिड फॉर्म में चाहिए। तो अर्थ पर अर्थ से सबसे हेवी कौन सा एलिमेंट है, वाटर तो लिक्विड फॉर्म में है, वाटर तो कहीं पर भी बह जाएगा, तो सॉलिड में मेरे पास मेटल ही है। क्योंकि अर्थ के अंदर से जो चीज़ें निकल रही है ना, वही अर्थ को बैलेंस करती है, अच्छे से स्टेबल करती है अर्थ की ऊर्जा को। तो ये जो स्टेबल अर्थ है ये तो कार्बन के वजह से है, लेकिन यहाँ से जो चीज़ें निकल रही है बाहर, मैग्नेटिक फील्ड तो वेरिएबल है, घूम रही है। ओके, तो यहाँ से जो चीज़ें निकल रही है अर्थ के अंदर से, वही चीज़ें अर्थ को बैलेंस करती है। अब अलग अलग लोगों की अलग अलग मास्टरी है स्पेस बैलेंसिंग की, लेकिन मेरा जो मास्टर ट्रीटमेंट है, मैं साइंटिफिक वास्तु एक्सपर्ट जो हूँ, वो कार्बन एटम का ट्रीटमेंट का हूँ। तो मैंने कार्बन के थ्योरी पे ही काम किया। तो इलेक्ट्रॉन का फेवरेट फ्लोइंग पाथ वही है कार्बन एटम, मैग्नेटिक फील्ड उसी के वजह से तो चल रही है, इलेक्ट्रॉन उसी की ऑर्बिट में घूम रहा है कार्बन के। तो नेक्स्ट, हम ऐसा कौन सा एलिमेंट है, तो मेटल। तो जो अलग अलग मेटल्स निकल रहे हैं उसमें जो कार्बन कंपोजिशन है, वही अर्थ की ऊर्जा को अच्छे से बैलेंस कर सकता है, न्यूट्रल कर सकता है और ट्रीट कर सकता है, उसकी ऊर्जा को अच्छे से पॉजिटिव कर सकता है। अब कुछ लोगों ने कुछ अलग चीज़ें लगाई, कोई लोग पिरामिड लगा रहे हैं, कुछ लोग क्रिस्टल लगा रहे हैं, ये अलग थ्योरी होगी। मेरा तो सीधा फंडा है, जब अगर मुझे कोई बीमारी हुई है तो मुझे गोली खाने के बाद जब वो पेट में जाएगी तभी वो दर्द ठीक होगा। तो जड़ से अगर किसी चीज़ को आप ठीक करोगे तो वो परमानेंटली ठीक हो जाएगी। तो जड़ में ही ट्रीटमेंट देना चाहिए। पेड़ को जब हम पानी देते हैं तो उसके जड़ में पानी देना महत्वपूर्ण होता है, उसके आजू बाजू में पानी देंगे तो वो इतना इफेक्टिव नहीं रहेगा। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो मेटल में जितने भी कंपोजिशंस पाए जाते हैं, जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेटल है, वही स्पेस की या इस साइंस की ऑथेंटिक ट्रीटमेंट है, कार्बन ट्रीटमेंट वास्तु साइंस की, और उसी पे आधारित मैं आपके साथ आज इस वीडियो में चर्चा कर रहा हूँ। तो फॉर्मेशन ऑफ कार्बन के वजह से ही हम स्टेबल फील कर रहे हैं अर्थ पे, नहीं तो ये सब चीज़ें घूम जानी चाहिए थी। देखो, घड़ी और कैलेंडर अगर हटा दोगे तो आपकी लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी, आपको क्या कब समय में करना है। ओके, तो आज अगर आपके पास समय है तो आज आप दिवाली की पूजा करके दिवाली नहीं मना सकते हो। कैलेंडर पे वो डेट प्रिंट है पहले ही कि नवंबर में 24 डेट को, 24 तारीख को दिवाली आनी है, उसी दिन हमें दिवाली की पूजा करनी है। जिस दिन सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण दिया हुआ है उसी दिन वो सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण देख लीजिए। अमावस्या जिस दिन दिया है, पूर्णिमा जिस दिन दी, उस दिन आपको चंद्रमा दिखेंगे। तो ये साइंस इतना एक्यूरेट, ऑथेंटिक और जेन्युइन है। लोगों ने अलग अलग तरीके से इस साइंस को समझाया, मैं चाहता हूँ कि टेक्निकल चीज़ें आप तक पहुँचें। आप कभी सोचो इस बारे में कि नहीं,
मेरा जन्म जिस डेट को हुआ और जिस दिन मेरी मृत्यु होगी, और मृत्यु का दिन जो है वो कार्बन ही बनना है, बाकी जो बीच में मैंने किया वो मेरा कर्म, वो मेरी सर्विसेज जो जगत को मिली, जिसे हम कर्म कहते हैं। तो कार्बन ही एक ऐसा एलिमेंट है, उसी के आधार पर ये वास्तु का साइंस जो है उसका मास्टर ट्रीटमेंट होता है या परमानेंट बैलेंसिंग होती है भाई कोई भी स्पेस, वही मैं करता हूँ। आज तक मैंने ऑल ओवर इंडिया में जितने भी कार्बन ट्रीटमेंट किए वो लोग सक्सेसफुली, उनके लाइफ में हैप्पीनेस, हेल्थ, वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी है। अब बहुत सारे लोग हैं अलग अलग ट्रीटमेंट करने वाले, तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आज के वीडियो में जो बेसिक थ्योरी थी कार्बन की, जो फंडामेंटल्स थे, मैंने आपको समझाए। नेक्स्ट वीडियो में और आगे की नेक्स्ट जर्नी मैं आपको समझाऊंगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक्स।